good morning. I welcome you all on my YouTube channel. In this session, we are learning cell division, and I explain you the mitosis properly. After that, I just gave you a 3D animation of the mitosis. उसके बाद मैंने दो सेशन में आपको इंट्रोडक्शन दिया मियोसिस का. Why I am taking so much time to start the meiosis? Because the first phase of the meiosis, that is prophase, that is very complex. ठीक है, अगर आपको prophase में समझा पाया वर्चुअली, क्योंकि वी आर डिपेंड ऑन द वर्चुअली क्लास नाउ. ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम गैप लेके चल रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से एक चीज़ समझ में आ जाए. तो मैंने सबसे पहले आपको एक स्टोरी की तरह बताया कि जैसे दो फैमिली हैं, दो फैमिली में एक मदर की फैमिली है, एक फादर की फैमिली है. ठीक है, दोनों फैमिली का क्या हुआ कि एक जगह फिर से मिले, मतलब रिकॉम्बिनेशन समझाने की कोशिश की थी एक स्टोरी की तरह. ठीक है, आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी. एक मैं एग्जांपल और ले लेता हूँ. जैसे आपके पास दो पेयर जो है वो क्लोथ हैं. ठीक है, जैसे आपके पास एक ब्लैक पैंट वाइट शर्ट है और दूसरी जो है वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट है. ठीक है, एक आपके पास वाइट पैंट और ब्लैक शर्ट है और दूसरी तरफ मैंने क्या बताया, आपके पास वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट है, मतलब दोनों अपोजिट हैं. ये दो पेयर हैं आपके पास, समझ में आया. ठीक है, एकदम सेम हमारे पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. अब होगा क्या, जैसे वाइट शर्ट और वाइट पैंट, इन दोनों का पेयर बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे से पेयर बना लेंगे. आपने क्या किया, वाइट शर्ट और वाइट पैंट को एक साथ रख दिया, ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट को एक साथ रख दिया. तो इससे क्या हुआ, आपने पेयरिंग कर दी. पेयरिंग आपने किसके अकॉर्डिंग की, कलर के अकॉर्डिंग. जो वाइट कलर था उसको अलग पेयर कर दिया, जो ब्लैक कलर था उसको अलग पेयर कर दिया. अब दोनों के बीच में हो गया क्या कि दोनों के बीच में आप नया कॉम्बिनेशन बनाओगे. ठीक है, दोनों को लेके आप क्या बनाओगे, नया कॉम्बिनेशन बनाओगे. समझ में आया. तो इस तरह से आप एक नया कॉम्बिनेशन जब बना लोगे तो आपके पास जो क्लोथ की एग्जिस्टिंग वेराइटी थी, जो नई वेराइटी आप बनाओगे वो उससे डिफरेंट हो जाएगी, नई हो जाएगी, वेरिएशन आ जाएंगे. बात समझ में आई. सेम एज जो मियोसिस वन का जो प्रोफेज है ना, उसमें यही सारी चीज़ें होती हैं. तो आज हम लोग इसको अपने जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे. ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मियोसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मियोसिस वन और मियोसिस टू. इसका मतलब है माइटोसिस से ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया. माइटोसिस तो वन गो में कंप्लीट हो जाता था, लेकिन जो मियोसिस है वो दो पार्ट में कंप्लीट होगा, मियोसिस वन और मियोसिस टू. फेजेस वही रहेंगे, जो आपने PMAT याद रखी है ना, PMAT, मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने की. तो ट्रिक तो मतलब वो फेजेस तो वही रहेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, उसमें कोई चेंज नहीं है. ठीक है, बस ये दो पार्ट में हो जाएंगे. अब बताओ, अगर मियोसिस वन में प्रोफेज हो रहा है तो प्रोफेज वन बुलाओगे, मेटाफेज हो रहा है तो मेटाफेज वन बुलाओगे, एनाफेज है तो एनाफेज वन, टीलोफेज है तो टीलोफेज वन. इस तरह से मियोसिस वन में जितने भी प्रोसेस हैं सबको वन वन ऐड करते जाओगे, ऐसे ही मियोसिस टू में टू टू लगा दोगे. क्लियर हो गई बात. ठीक है, लेकिन जो मियोसिस वन का जो सबसे पहला फेज है, दैट इज़ प्रोफेज, फर्स्ट प्रोफेज इज़ वेरी लॉन्ग, और इसी में सबसे जितना भी कॉन्सेप्ट है सब इसी में छिपा है. अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, फर्स्ट प्रोफेज में क्या होता है कि ये तो सबसे पहले लॉन्ग प्रोसीजर है, इसमें पांच सब स्टेजेस होती हैं. इसको याद करने की मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, लखनऊ में जू देखने के लिए पैसा दे दो दी दी. ठीक है, तो इस तरह से एल से क्या हो गया, लेप्टोटीन, जेड से जाइगोटीन, पी से पैगीटीन, डी से डिप्लोटीन और डी आई से मैंने क्या बताया था कि डायकाइनेसिस. तो ये पांच सब स्टेजेस के बारे में आपको पढ़ना है. सबसे पहले मैंने देखो रस्सी में कलर लगा दिया है. ठीक है, इस तरह से मेरे पास दो कलर की रस्सी है. अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दो कलर आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ब्राउन कलर और एक ऑरेंज कलर. आ रहा है नज़र, एकदम सेम हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं. ऐसे मान लो ये दो पेयर हैं. ठीक है, ये इसमें भी वैसे ही है, इसमें भी मैंने ऑरेंज और ब्राउन कलर लगा दिया है. ठीक है, जैसे ही लेप्टोटीन होगा, मेरे इन रस्सी को देखना, लेप्टोटीन के पहले ये एकदम देखो एकदम धागे की तरह एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. जैसे ही लेप्टोटीन स्टार्ट होगा ये ओपन होने लगेंगे, जैसे प्रोफेज वन में होता था माइटोसिस में. ठीक है, ये ओपन होने लगेंगे, धीरे धीरे कंडेंस हो जाएंगे और ये क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम्स बन जाएंगे. ठीक है, अब इसमें जो दो कलर है वो एकदम से आपको अच्छे से विजिबल हो गया होगा. ठीक है, एक ऑरेंज कलर और एक वो जो ब्राउन कलर होता है रस्सी वो बोरे वाला. ठीक है, वो आपको एकदम विजिबल हो गया होगा. ठीक है, एक्चुअली हमारे पास दो क्रोमोसोम्स होते हैं,
वन क्रोमोजोम वी गेट फ्रॉम आवर मेल पेरेंट एंड वन क्रोमोजोम वी गेट फ्रॉम आवर फीमेल पेरेंट, वो दोनों विजिबल हो जाते हैं ये इस तरह से, ठीक है। ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, लेप्टोटीन में हो रहा है, क्लियर है। जैसे इस क्रोमोसोम में हो रहा है वैसे इस क्रोमोसोम में भी होगा, ये देख सकते हो, ये भी क्रोमोसोम ओपन हो गया और इसमें हमें दो कलर अच्छे से विजिबल हो गए, एक ऑरेंज कलर और एक ब्राउन कलर, ये इस तरह से विजिबल हो गए, ठीक है। ये दोनों, ये इधर ये दोनों सेपरेट हो गए ये इस तरह से, ठीक है, और इधर ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, ऑरेंज और ब्राउन इधर सेपरेट हो जाएंगे, समझ में आया, ठीक है। अब बताओ इधर का जो ऑरेंज है, इधर का जो ऑरेंज है वो एक जैसे हैं कि नहीं है, ठीक है। इनको हम बुलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, द क्रोमोसोम विच हैव सेम टाइप ऑफ जीन्स, ऐसे जीन, ऐसे क्रोमोसोम जिनके पास सेम टाइप ऑफ जीन्स लगे हैं, सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर्स लगे हैं, उनको क्या बुलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग होगी, ये ऑरेंज वाला और इधर वाला ऑरेंज वाला, इन दोनों के बीच में पेयरिंग हो जाएगी ये, ठीक है। ये इस तरह से ये दोनों पेयर बना लेंगे, दोनों ऑरेंज जो है ये पेयर बना लेंगे और इधर ये दोनों ब्राउन पेयर बना लेंगे, इस तरह से ये ब्राउन पेयर हो गया और ये ऑरेंज का पेयर हो गया, आपको दो पेयर दिख रहे हैं, समझ में आया। सबसे पहले ऑरेंज और ब्राउन एक साथ थे, जैसे ही लेप्टोटीन स्टार्ट हुआ वो ओपन होने लगे, ठीक है, दो टाइप के क्रोमोसोम्स अपीयर होने लगे। उसके बाद जब जाइगोटीन आती है, जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है कि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होती है। ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं कि किस स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो कौन सी स्टेज होती है, वो जाइगोटीन, ठीक है। दिस स्टेज इज मार्क्ड बाय द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, आप देख सकते हो ये ब्राउन कलर इधर पेयर हो गया, ऑरेंज कलर इधर पेयर हो गया, इसके पहले दोनों एक दूसरे से रैप थे, दोनों एक दूसरे के साथ थे, क्लियर है। पेयरिंग बिगिंस वन और मोर पॉइंट, जब ये पेयरिंग हो रही थी तो कहीं पे एक पॉइंट, दो पॉइंट, इस तरह से कई सारे पॉइंट पे ये पेयरिंग होती रहती है, ठीक है। जितनी भी लेंथ होगी क्रोमोसोम के, अगर मान लो क्रोमोसोम की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो कई सारे पॉइंट्स पे पेयरिंग स्टार्ट होती है, शॉर्ट है तो एक ही दो पॉइंट पे स्टार्ट होती है। तो पेयरिंग, जो पेयरिंग हो रही है किसके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, बिगिंस एट वन और मोर पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम, देन प्रोसीड इन अ जिपर लाइक फैशन। जिपर लाइक मतलब जैसे आप जैकेट की दोनों पार्ट को ऐसे फिट करके और जिपर लाइक फैशन करते हो ना, एकदम वैसे ही ऐसे जिपिंग होती चली जाती है। जिपिंग मतलब जैसे चेन बंद करते हो ना, ठीक है, जैकेट की जो चेन होती है उसको जब आप बंद करते हो, बैग की जो चेन होती है उसको जब बंद करते हो, तो जिपर लाइक फैशन में दोनों ही क्या हो जाते हैं, पेयरिंग हो जाती है। अच्छा बताओ जो जिपर लाइक फैशन है उसमें जैकेट के दोनों पार्ट एक दूसरे से एकदम कनेक्ट हो जाते हैं, या जो बैग का दोनों पार्ट होता है वो एक दूसरे से एकदम कनेक्ट हो जाता है? कुछ लोग कहोगे हाँ सर हो जाता है, नहीं, ध्यान से देखो तो दोनों पार्ट के बीच में तो चेन है ना, वो दोनों पार्ट कनेक्ट होते हैं लेकिन एकदम से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते, ठीक है, उनके बीच में जिप रहती है, क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पे भी पेयरिंग तो हुई है, जिपर फैशन में हुई है, लेकिन ये एक दूसरे से इनके बीच में गैप होता है, आप देख सकते हो ऑरेंज के बीच में देखो थोड़ा सा गैप दिख रहा है ना, इस तरह से पेयरिंग तो हो गई लेकिन दोनों के बीच में गैप होता है, इसी गैप को बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, समझ में आया, ठीक है। ईच पेयर इज अ बाईवेलेंट, देखो बाईवेलेंट क्या होता है बहुत ध्यान से समझना, इसी रस्सी से आपको मैं पूरी मियोसिस समझा दूंगा। ये जो पेयर है इसमें दो दिख रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, बाईवेलेंट, ठीक है। ईच जो पेयर है इसको क्या बुलाते हैं, बाईवेलेंट। लेकिन अगर हम दोनों पेयर को देख लें, इस पेयर को भी रखें, इस पेयर को भी रख लें, तब ये बनता है टेट्राड, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो इसको बुलाते हैं बाईवेलेंट, इसमें दो हैं, इसमें भी दो हैं, आपको दो नज़र आ रहे होंगे, ये दो हैं, ठीक है, और इसमें भी दो हैं, ये भी दो नज़र आ रहे हैं। अगर इसको एक को देखोगे तो ये बाईवेलेंट है, लेकिन अगर दोनों को देखोगे तो ये क्या है, टेट्राड है। ईच पेयर इज कॉल्ड अ बाईवेलेंट, द पेयरिंग इज हाईली स्पेसिफिक, जो पेयरिंग होती है ना वो बहुत स्पेसिफिक होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, एंड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जिसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स समझना है वो तुरंत अपने बैग को उठाएं और बैग की चेन को बंद करें, खोलना नहीं है बंद करना है, ठीक है। जब आप बंद करोगे तो दोनों ही बैग के बीच में जो पार्ट, जो बैग के दो पार्ट हैं उनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है दैट इज व्हाट, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SC बुलाते हैं, मतलब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और अभी मैंने बताया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है तो उसमें गैप होता है,
ऐसा नहीं कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से एकदम बाइंड हो जाते हैं, नहीं, उन दोनों के बीच में गैप होता है, विच कैन बी ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप में इसको नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेप्टोटीन के पहले क्या था कि ये सारे क्रोमोसोम एक दूसरे से रैप थे, ठीक है, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से रैप थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे ओपन होने लगे और क्रोमोसोम अपीयर होने लगे। जो मेल पेरेंट के हमारे पास क्रोमोसोम हैं और जो फीमेल पेरेंट के हैं वो दोनों अपीयर होने लगे, क्लियर है। जाइगोटीन आते ही होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होने लगी, ठीक है, पेयरिंग कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ, इस तरह से पेयरिंग होती चली जाएगी और पेयरिंग जिपर फैशन में होगी, मतलब जैसे चेन की तरह बंद करते चले जाते हैं, एकदम वैसे ही जिपर फैशन में होगी। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको बुलाते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से एकदम से बाइंड नहीं हो जाते, इनके बीच में एक गैप रहता है, ठीक है, जो कौन फिल करता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स उस गैप को फिल करता है और दोनों को एक साथ रखता है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। द टू होमोलोग्स, टू होमोलोग्स मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट फ्यूज टू ईच अदर, अभी बताया ना, ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज नहीं हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मैंने रस्सी ली है इसमें भी फ्यूज नहीं है, इत्तफाकन देखो फ्यूज नहीं है, ठीक है, इनके बीच में हल्का सा गैप दिख रहा होगा, बहुत ध्यान से देखो तो हल्का सा गैप दिख रहा है, ठीक है, ये अगर आप ध्यान से देखो तो हल्का सा गैप दिख रहा है, इसी गैप, यही गैप कौन ऑक्यूपाई करता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और लगभग कितने माइक्रोमीटर का गैप होता है, 0.15, मतलब बहुत कम होता है, 0.15 to 2 माइक्रोमीटर, समझ में आया। गैप का मतलब है कि ये फिर से अलग हो सकते हैं, याद रखना। बार बार मैं गैप पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर गैप है तो ये फिर से अलग हो सकते हैं, अगर ये एक दूसरे से बाइंड हो जाते तो ये अलग नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से जाइगोटीन समझ में आ गया, जाइगोटीन में पेयरिंग हो रही है, किसकी पेयरिंग हो रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग हो रही है, वो पेयरिंग किसके वजह से हो रही है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से हो रही है, जिपर फैशन में हो रही है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हैं, बाइवेलेंट। दोनों ही क्रोमोसोम को देखेंगे तो क्या बुलाएंगे, टेट्राड बुलाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों के बीच में जो गैप होता है वो कितने का होता है, 0.15 to 2 माइक्रोमीटर, क्लियर। अब आ जाओ पैकेटीन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। कभी भी क्वेश्चन पूछे कि रिकॉम्बिनेशन किस स्टेज में आता है, ये आपके 11th में भी इम्पॉर्टेंट है, 12th में भी पूछेगा, मियोसिस के किस स्टेज में रिकॉम्बिनेशन आता है, तो आप क्या बताओगे, पैकेटीन में आता है, समझ में आया, ठीक है। लखनऊ में जू और पैसा, तो पैसा से ही सब कुछ चेंज हो सकता है, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो पैकेटीन में क्या आता है, वेरिएशन आएगा, मतलब रिकॉम्बिनेशन आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग दिस स्टेज, एकदम लाइन को देखते जाओ और मेरे इस एक्टिविटी को देखते जाओ, ड्यूरिंग दिस स्टेज बाइवेलेंट क्रोमोसोम, ये बाइवेलेंट है, ये भी बाइवेलेंट है, नाउ क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड। ये पूरी तरह से कैसे दिखते हैं, टेट्राड मतलब चार, ठीक है। दिस स्टेज इज करेक्टराइज बाई अपियरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, अब इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा, बहुत ध्यान से समझो। जैसे ये दोनों हैं, इनका एक एक आर्म इनकी और एक आर्म ऑरेंज वाली, ये इस तरह से, ये इस तरह जैसे मैं बता रहा हूँ एकदम वैसे ही होता है, ठीक है। एक आर्म इसकी और एक आर्म इसकी, ये इस तरह से ऑरेंज और ब्राउन एक जगह कहीं पे एक दूसरे से बाइंड होंगे, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। जैसे एक जगह यहाँ पे बाइंड हुआ, बहुत ध्यान से देखो, अब मेरे पास कोई और नहीं खड़ा है, नहीं तो मैं उसको पकड़ा के और अच्छे से बताता, लेकिन समझने की कोशिश करो, भावनाओं को समझो, ठीक है, शब्दों पे मत जाना लेकिन भावनाओं को समझो। देखो ये ब्राउन और ऑरेंज, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे बाइंड हो रहे हैं, अभी तक क्या था, ऑरेंज और ब्राउन एक दूसरे से अलग हो गए थे, अब दो बाइवेलेंट का एक ऑरेंज और इस बाइवेलेंट का एक ब्राउन, ये दोनों एक दूसरे से बाइंड हो रहे हैं, मतलब बाइंड मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, इस तरह से नोड्यूल्स, जहाँ जहाँ पे ये बाइंड होंगे वहाँ वहाँ उसको हम क्या बुलाएंगे, नोड्यूल्स बुलाएंगे, जैसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग, पेयरिंग नहीं, शेयरिंग, किसकी शेयरिंग हो रही है, जीन्स की शेयरिंग होगी, ठीक है, कैरेक्टर्स की शेयरिंग होगी। तो अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, द साइट एट विच क्रॉस ओवर, ये जहाँ पे मैंने पकड़ रखा है ऑरेंज और ब्राउन को, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, इसी को बोलते हैं साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर,
क्रॉसिंग ओवर मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज करना। क्या एक्सचेंज करेंगे? कैरेक्टर्स एक्सचेंज करेंगे या जीन्स एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ब्राउन अलग है ऑरेंज अलग है, तो इसलिए हम इनको क्या बुलाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस ओवर हो रहा है, समझ में, क्रोमेटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर मतलब एक्सचेंज, किसका एक्सचेंज, सेगमेंट का एक्सचेंज, और हमारे लिए सेगमेंट मतलब कैरेक्टर्स या जीन्स, ठीक है। तो इस तरह से दोनों के बीच में क्या हो रहा है, सेगमेंट का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, फिर कभी यहाँ पे होगा, इस तरह से नोड्यूल्स जहाँ बनते चले जाएंगे वहाँ पे एक्सचेंज होता चला जाएगा, क्लियर है। बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम रिलेटेड प्रोसेस है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन मतलब नया कॉम्बिनेशन, कुछ नया करेक्टर आना, और उसको लाने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, रिकॉम्बिनेज। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेज एंजाइम याद करना बहुत ईजी है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन लाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, रिकॉम्बिनेज, ठीक। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे से सेगमेंट एक्सचेंज कर रहे हैं, फिर कहीं और ऐसे एक्सचेंज करेंगे, तो क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। किसका रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का। ये सब माइटोसिस में नहीं होता था, इसीलिए मियोसिस में कहते हैं कि रिकॉम्बिनेशन आता है, मतलब वेरिएशन आता है, ठीक है। ऑन टू क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिन। ये पैथोजन गलती से लिख दिया, इसको स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, ये पैकेटिन है, ठीक है, पैकेटिन मतलब जिस स्टेज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट ले लिया होगा पैथोजन, ठीक है। इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिन, पैकेटिन कंप्लीट होते होते क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होने लगेगा, लिविंग द क्रोमोसोम क्रॉस एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इनके बीच में एक्सचेंज हो गया लेकिन ये अभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ पे एक्सचेंज कर रहे थे वहाँ पे ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब मेरे हाथ को देखो, ये दोनों को मान लो होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे जुड़े थे एक्सचेंज किया था, फिर यहाँ पे जुड़े एक्सचेंज किया, फिर यहाँ पे जुड़े एक्सचेंज किया, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया, फिर इस तरह से स्ट्रक्चर, इस टाइम स्ट्रक्चर को देखो तो एक्स की तरह बन रहा है, ठीक है, जैसे एक्स बन रहा है एकदम वैसे ही देखो ये बन रहा है। इसी को बोलते हैं कियाज़मेटा, आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कियाज़मेटा, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको बोलते हैं कियाज़मेटा, ठीक है। अभी मैंने रस्सी के हेल्प से बताया, इसको जान लो ऑरेंज वाली है या ये ब्राउन वाली है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, फिर यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, फिर यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एक्सचेंज हो रहा है ना वहाँ जुड़े रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या रहते हैं, ये जुड़े रहते हैं, बाद में अलग होते हैं, बाद में ये क्या होने लगते हैं, सेपरेट होने लगते हैं। तो आई थिंक लेप्टोटीन समझ में आ गया, जिसमें क्रोमोसोम्स अपीयर हो गए, दो होमोलोगस क्रोमोसोम अपीयर होने लगते हैं। पेयरिंग उनके बीच में कब स्टार्ट हो जाती है, जायगोटीन में, होमोलोगस क्रोमोसोम समझ गए होंगे जिनके पास सेम कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद दो होमोलोगस के बीच में जो पेयरिंग होती है वो पूरी तरह से बाइंड नहीं होते, उनके बीच में गैप रहता है, जिसको बोलते हैं हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उनके बीच में जो गैप होता है 0.15 या 0.2 माइक्रोमीटर का गैप होता है। उसके बाद जब पैकेटिन आता है तो क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास में आते हैं, उनके एक एक स्ट्रैंड एक दूसरे के पास में आते हैं और आपस में एक्सचेंज करते हैं, किसका एक्सचेंज करते हैं, कैरेक्टर्स का। तो इस तरह से जो भी एक्सचेंज करेंगे उससे जो एक नया क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है, होगा क्या कि कहीं कहीं पे ब्राउन पे ऑरेंज जुड़ जाएगा, ठीक है, कहीं कहीं पे ब्राउन पे क्या जुड़ जाएगा, ऑरेंज, कहीं पे ऑरेंज पे ब्राउन जुड़ जाएगा, इस तरह से एक्सचेंज होगा और नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ डिप्लोटीन पे, अब डिप्लोटीन में क्या होगा, इज रिकॉग्नाइज बाई डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। याद है ना कि ये दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, इनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था और ये इसके साथ क्या कर रहा था, एक्सचेंज कर रहा था। अब तुम पूछोगे कि सर ये इससे जुड़ा भी है और एक्सचेंज भी कर रहा है, जो पेयरिंग है ना वो थोड़ा सा कमज़ोर होती है, ठीक है। जैसे अगर एक लड़का है एक लड़की है और एक लड़का है एक लड़की है, लड़के ने लड़की को, जैसे ए, मैं यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तुम्हें, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ए और बी और यहाँ पे है सी और डी, ठीक है, इन दोनों ए और बी के बीच में पेयरिंग है, सी और डी के बीच में पेयरिंग है, ठीक है। ये पेयरिंग यहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोर होती है, ठीक है, जब ये पैकेटिन आ जाती है तो ये पेयरिंग कमज़ोर होती है, बी जो है वो सी की तरफ भागता है, ठीक है, इस तरह से,
अगर कोई भी अंदर की तरफ है वो इस तरह से भागेगा तो बाहर वाला पार्ट उससे जुड़ा तो होगा लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं हो जाएगा, समझ में आया? जैसे रबड़ बैंड होता है उसको खींचो तो वो जिससे जिससे आपने रबड़ बैंड को बांधा है वो भी खींचेगा लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं होगा, याद रखना। तो ऐसे ही ए और बी के बीच में पेयरिंग है, ठीक है, ऑरेंज ऑरेंज और ब्राउन ब्राउन, ठीक है। लेकिन जब ऑरेंज और ब्राउन एक दूसरे से ऐसे पास में आएंगे, ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑरेंज ऑरेंज के बीच में वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, क्लियर है। तो इस तरह से बी और सी ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, ये अलग है और ये अलग है, तो इनके बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही डिप्लोटीन स्टार्ट होगा ये कहेगा ऐसा है तुम जाओ, अब तुम बहुत देर से जो है सी से मिल रहे हो तुम जाओ, तो धीरे धीरे जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है ना उसका डिसोल्यूशन होगा, ये दोनों अलग होंगे। इज रिकॉग्नाइज बाई द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड द टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट, और धीरे धीरे बाइवेलेंट जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, ये इसके साथ हो जाएगा, ठीक है, और ये फिर से इसके साथ हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो बाइवेलेंट में फिर से देखो क्या हुआ, फिर से ये इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो गया और ये अलग से बना लिया इन्होंने, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो दोनों के बीच में जब वो जो कॉम्प्लेक्स बना था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ेगा और वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो इस तरह से यही हो रहा है, टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर, सेपरेट तो हो जाएंगे अपने पेयर वाले पार्ट से, लेकिन कहाँ पे जुड़े रहेंगे, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है वहाँ पे जुड़े रहेंगे, जहाँ पे दोनों का हाथ मिला है वहीं पे जुड़े रहेंगे, बाकी अपने जो पेरेंटल पार्ट है जिससे जुड़े थे उससे अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, एक्स शेप, ऐसे इस तरह से, ये ऐसे, समझ में। अब ये जहाँ से इन्होंने पेयर बनाया था उससे, अब देख सकते हो इस तरह से जहाँ पे इनके बीच में क्रॉस ओवर हो रहा है, ये यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बाकी इनका जो पेयर जिससे बनाए थे उससे ये धीरे धीरे अलग होने लगते हैं, ठीक है। तो कैसा स्ट्रक्चर बन गया, देखो एक्स शेप बन गया कि नहीं बन गया, इसी को बोलते हैं कियेजमेटा, इसी स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हैं हम, कियेजमेटा, समझ में आ गई बात, ठीक है, आर कॉल्ड कियेजमेटा इन ऊ साइड। डिप्लोटीन एक्चुअली जब आप लोग ट्वेल्थ में पढ़ोगे ऊ जेनेसिस, फीमेल में जो ओवा का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ऊ जेनेसिस। जब ऊ जेनेसिस स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले जब मियोसिस वन स्टार्ट होता है तो डिप्लोटीन में मंथ और ईयर तक ये रेस्टिंग स्टेज में चले जाता है। ये अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ये पॉइंट आप क्लास 12 में ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे केवल बस आप देख लो, बाकी आपको क्लियर होगा ये क्लास 12 में कि ये इसका मतलब क्या है। इन ऊ साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स, ठीक है, मतलब रेस्टिंग स्टेज में जा सकता है। डिप्लोटीन एक ऐसी स्टेज है जिसमें कोई भी सेल बहुत लंबे ड्यूरेशन तक रेस्टिंग स्टेज में जा सकती है, मतलब कोई भी उसमें एक्टिविटी नहीं होगी, इसी में रुक जाएगा, समझ में, ठीक है। तो इस तरह से डिप्लोटीन में क्या हुआ कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है जिससे वो जुड़े थे होमोलोगस क्रोमोसोम वो धीरे धीरे वीक पड़ेगा, ठीक है, और वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जुड़े कहाँ होंगे, जहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, तो वहाँ पे कैसा शेप बन जाएगा, एक्स शेप बन जाएगा, जिसको बोलते हैं कियेजमेटा। लास्ट स्टेज में जो डायाकाइनेसिस है इसमें क्या होगा, टर्मिनेशन, जो कियेजमेटा है ना उससे भी अलग हो जाएंगे, जो कियेजमेटा है उससे भी ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से नए क्रोमोसोम्स बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, जब कियेजमेटा से भी वो सेपरेट हो जाएंगे, टर्मिनाइजेशन हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जैसे मान लो अगर ये ऑरेंज कलर का क्रोमोसोम है ये, ठीक है, तो इसमें एक जो है दूसरे कलर का क्रोमोसोम ये इस तरह से, तो आप देख सकते हो एक ये है और ये एक इस तरह से, तो ये दो नए ट्रेट आ गए, एक नया है ये अलग है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, इसी को हम क्या बुलाते हैं, रिकॉम्बिनेशन, समझ में, ठीक है। ये देखो क्रोमोसोम में चेंज आ गया कि नहीं आ गया, वेरिएशन आया, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन। तो दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनेशन ऑफ कियेजमेटा, कियेजमेटा जो बना था वो भी अब वहाँ से भी अलग हो जाएंगे। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस, और ये इस फेज तक पहुँचते पहुँचते पूरी तरह से क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से कंडेंस हो जाते हैं। स्पिंडल, मियोटिक स्पिंडल, माइटोसिस में आपने पढ़ा था माइटोटिक स्पिंडल, और यहाँ पे मियोटिक स्पिंडल असेंबल होने लगेगी टू प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन, अब उन दोनों को अलग करेगी,
ठीक है, जैसे आपने माइटोसिस में पढ़ रखा है कि मेटाफेज आते आते क्रोमोसोम सेपरेट होने के किस पे पहुंच जाते हैं, मतलब वहां पे उस फेज में पहुंच जाते हैं कि उनके बीच में सेपरेशन होगा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन होंगे बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस। जैसे ही डायकाइनेसिस कंप्लीट होगा न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगी, जो आपने प्रोफेज में पढ़ रखा था, याद है ना। तो यहाँ पे प्रोफेज के सबसे लास्ट स्टेज है, इसको जान लो लेट प्रोफेज। तो लेट प्रोफेज आते आते न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, और इस तरह से ये किस स्टेज में चला जाएगा, मेटाफेज वन में चला जाएगा। आगे होगी बात समझ में, ठीक है। एक बार अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो एक बार वीडियो को और देखना, कन्फर्म है आपको पाँचों सब स्टेजेस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, प्रोफेज में क्या हुआ, सबसे पहले लेप्टोटीन में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स दो थे वो धीरे धीरे खुलने लगे, ओपन होने लगे, ठीक है, उसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम अपीयर होने लगे। जाइगोटीन आते ही दोनों के बीच में क्या हो गई, पेयरिंग हो गई, ठीक है। पेयरिंग किसके थ्रू हुई, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। मान लो ये पेयरिंग है और ये अलग पेयर है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगी, पेयरिंग होगी। बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद पैकिटिन आते ही, जब पैकिटिन होगा तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। मेरे हाथ को देखो इस तरह से, ये जैसे मैं खींच रहा हूँ ना, जैसे लगता है, जैसे आपने मूवी में देखा होगा कि जो लड़की होती है उसके जो पापा होते हैं वो उसको पकड़े होते हैं, और जो लड़का होता है वो उसके पापा उसको पकड़े होते हैं, लेकिन दोनों मिलना चाहते हैं। एक हाथ उनके पापा ने पकड़ रखा है दोनों के, और एक हाथ दोनों एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके फादर से कम हो रहा है और एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है। जब पास आ रहे हैं तो क्या होगा, एक्सचेंज होगा। जैसे मेरे हाथ को देखो, अभी जादू देखो, इस हाथ में देखो कुछ डिफरेंट है ना, इसमें रिंग है और इसमें रिंग नहीं है। एक्सचेंज का मतलब यही होता है, देखो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, तो कुछ सेगमेंट इधर से इधर ट्रांसफ़र हो गया, मतलब कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो गया। तो इस तरह से नया कॉम्बिनेशन बन गया, ये किस में हो रहा है, पैकिटिन स्टेज में। डिप्लोटीन आते ही जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, मतलब पापा और लड़की के पापा और लड़के के पापा, वो दोनों कहेंगे ऐसा है जाओ, धीरे धीरे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन होने लगेगा, ठीक है। अब कोई मतलब नहीं है, रोकने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से एकदम अलग, होमोलोगस से अलग हो जाएंगे अपने, और कहाँ पे जुड़े रहेंगे, जहाँ पे वो एक्सचेंज कर रहे हैं सेगमेंट का, क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज, उसको बोलते हैं कीएजमेटा। और डायकाइनेसिस आते आते ये यहाँ से भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, मतलब एक्सचेंज हो चुका। बात समझ में आई, इस तरह से नए क्रोमोसोम बन जाएंगे प्रोफेज ख़त्म होते होते, कंप्लीट होते होते जो क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में क्या चेंज आ चुका है कि उनके बीच में वेरिएशन आ चुका है, मेटाफेज में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मेटाफेज में वही क्रोमोसोम का सेपरेशन होने लगेगा, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस तरह से पाँचों सब स्टेजेस को मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लेके समझा दिया। 3D एनिमेशन कन्फर्म है, मैं इसका दूंगा आपको, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से सेशन लंबा हो गया, लेकिन कंप्लीट करते हैं सेशन को, अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, बहुत अच्छे से पढ़ना, और ना समझ में आया तो जैसे मैंने बोला है एक बार और देखना, आपको कन्फर्म है क्लियर ज़रूर होगा, ठीक है। जो मैं कनेक्ट करने की बात कर रहा हूँ उसको कनेक्शन एकदम आपको एकदम मतलब कंसंट्रेट होकर समझोगे ना तो कन्फर्म है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। तो लाइक बटन पर ज़रूर प्रेस करना और मैक्सिमम शेयर करना कि जिनको सेल डिवीज़न इस तरह से पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं सेशन को, स्टे फिट स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत, लव यू एंड गुड बाय।